हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल। और इस लेक्चर के अंदर कह लें या इस वीडियो के अंदर कह लें, हम लोग बात करने वाले हैं CUET PG की जो मेरी टेस्ट सीरीज चल रही है उसके टेस्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन हम इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। टेस्ट नंबर 2 जो कि आज हुआ था, आज यानी कि 3 मई को, और टेस्ट जो हुआ था वो सब्जेक्ट था इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में दोनों सब्जेक्ट कवर किए गए थे, एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। हालांकि जिन भी बच्चों ने टेस्ट दिया था उनका परफॉर्मेंस एवरेज ही रहा, बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मैं नहीं कहूँगा। एंड आई थिंक कि आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। भले ही आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स को, परंतु जो क्वेश्चंस हैं उनको करने में कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो आप बजाय कि बड़े क्वेश्चंस पे कॉन्सेंट्रेट करें, बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने में अपना दिमाग लगाएं, थ्योरी को बार बार पढ़ें और जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करिए, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो वीडियो सॉल्यूशन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है इन अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। बहुत ही ऐसे क्वेश्चन थे जो थ्योरी बेस्ड, प्रॉपरली थ्योरी बेस्ड, रटे रटाई क्वेश्चन, उस तरह के क्वेश्चन थे। इन अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द रिवर्स सैचुरेशन करंट ICU, एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के अंदर रिवर्स सैचुरेशन करंट जो ICU है उसकी वैल्यू टेम्परेचर के साथ किस तरह से चेंज होती है ना, ये हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ट्रांजिस्टर जब हम पढ़ते हैं, ट्रांजिस्टर में बाइसिंग जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर स्टेबिलिटी नाम की एक चीज होती है जो कि 3-4 पैरामीटर पर डिपेंड करती है। उनमें से जो एक करंट होती है वो ICU यानी कि लीकेज करंट होती है, जो कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ती है। और वहां पर हम ये भी पढ़ते हैं कि 10 डिग्री टेम्परेचर राइज होने पर, टेम्परेचर का राइज जब 10 डिग्री के आसपास होता है, तो उस केस में जो रिवर्स सैचुरेशन करंट ICU है वो जस्ट डबल हो जाती है। तो रटाई रटाई वैल्यू है, इनको याद करना था बस, तो वो ही मैंने पूछी है, तो इसका आंसर सी आ जाएगा। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने अपने पहले जो टेस्ट सीरीज का पहला वाला सॉल्यूशन था उसमें भी आपको बोला था कि बजाय बड़े न्यूमेरिकल्स पे फोकस करने के, थ्योरी को बार बार पढ़ो, थ्योरी को बार बार रिवाइज करोगे तो आपके ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कहीं नहीं जाने वाले। पुराने जो पेपर्स देख लो उठा के, उनमें न्यूमेरिकल्स बहुत कम मिलेंगे आपको, थ्योरी ज़्यादा मिलेगी, थ्योरी या थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अभी तक अभी मेरी बात नहीं सुनी है तो कान खोल कर अब सुन लो कम से कम ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है व्हेन द एमिटर करंट ऑफ एमिटर इज चेंज्ड बाय 1 mA, एमिटर करंट की वैल्यू दे रखी है ना, तो डेल्टा IE इसकी वैल्यू कितनी है 1 mA। कलेक्टर करंट जो है डेल्टा IC उसकी वैल्यू दी है 0.990 mA। कॉमन एमिटर शॉर्ट सर्किट करंट गेन, कॉमन एमिटर यानी कि बीटा की वैल्यू पूछी है हमें, बीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, डेल्टा IC ओवर डेल्टा बीटा, मतलब कॉमन एमिटर के केस में तो ये बी, यानी कि हमें कौन सी करंट चाहिए कि बेस करंट चाहिए। बेस करंट कैसे निकाल सकते हो, यहां से निकाल सकते हो, क्योंकि IE किसके बराबर होता है IB प्लस IC, तो यहां से इजीली आप IB की वैल्यू निकाल सकते हो और वो किसके बराबर हो जाएगी IE माइनस IC है ना। तो यहां से 1 माइनस 0.990 अगर मैं करता हूं तो मेरे पास वैल्यू आएगी 0.001, ये किसकी वैल्यू आ गई IB की। अब तुम्हें बीटा निकालना है, यहां पर वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा है ना, क्या वैल्यू है 0.990 और ये नीचे कितना 0.001, सॉल्व करोगे क्या आंसर आ जाएगा 99, तो कौन सा आंसर आ गया, ये आंसर आ गया खत्म। तो इस ये क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम लोग करोगे पर नहीं किए, मेरे समझ में नहीं आया क्यों नहीं किए, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन थे है ना, कोई टफ पेपर नहीं था। जिन लोगों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है वो नीचे जो व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे आपको, उन पर व्हाट्सएप कर आप डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं। अभी तक 2 टेस्ट हो चुके हैं, टोटल जो टेस्ट होने हैं वो 18 नंबर ऑफ टेस्ट होने हैं, तो 18 में से 2 टेस्ट हो गए, 7 मिला कुल मिलाकर सब्जेक्ट्स टेस्ट होंगे यानी कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट के, 5 सब्जेक्ट होंगे कंबाइंड सब्जेक्ट के जिनमें सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन रहेगा और बाकी फुल लेंथ टेस्ट होंगे। तो अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है, आप CUET PG फिजिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और आगे बढ़े उसके पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। तो ये क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है इन अ क्रिस्टल ऑसिलेटर ऑफ द कॉलपिट ऑसिलेटर टाइप। देखो कॉलपिट ऑसिलेटर है, तो कॉलपिट ऑसिलेटर का मतलब हो गया 2 कैपेसिटर के बीच में एक इंडक्टर,
दो कैपेसिटर के बीच में एक इंडक्टर, तो दो कैपेसिटर आ गए और एक इंडक्टर आ जाएगा जिसकी बीच में क्या कर रखी होगी टैपिंग, एक बीच में क्या आ जाएगा इंडक्टर जिसके बीच में क्या कर रखी होगी टैपिंग, तो जो क्रिस्टल है वो कहां पर लगाया जाएगा इंडक्टर पर, तो इंडक्टर एल इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इन वोल्टेज एम्पलीफायर द लोड रेजिस्टेंस, वोल्टेज एम्पलीफायर में लोड रेजिस्टेंस क्या होता है, लार्ज होना चाहिए, शुड बी लार्ज एज लार्ज पॉसिबल, सीधा सा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, इस क्वेश्चन में बोला है अ ट्रांजिस्टर हैज अ करंट गेन, ट्रांजिस्टर का करंट गेन दे रखा है कॉमन बेस मोड में, कॉमन बेस मोड का मतलब हो गया अल्फा, अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है 0.99, कॉमन करंट गेन, कॉमन कलेक्टर, कलेक्टर मतलब गामा, गामा इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 माइनस अल्फा। अब आपको ये रिलेशन तो यार कम से कम याद होनी चाहिए, और मैंने आपको जब भी प्रैक्टिस कराई है, चाहे वो लेट्स क्रैक सीयूईटी पीजी चैनल पे कराई हो, चाहे निंजा रैप पे कराई हो, मैंने आपको हमेशा बोला है छोटे छोटे फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, और नहीं है तो आप पाप कर रहे हो, है ना, नहीं है तो पाप कर रहे हो। गामा इज इक्वल्स टू 1/0.99, तो 0.01 सॉल्व करोगे क्या आंसर आ जाएगा 100, कौन सा ऑप्शन ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है, गामा की वैल्यू कितनी हो गई 100। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, इसमें बोला है एट वेरी हाई टेम्परेचर द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिकम्स इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक मतलब कौन सा वाला और इंट्रिंसिक मतलब कौन सा वाला, इंट्रिंसिक मतलब जो कि प्योर हो और एक्सट्रिंसिक मतलब जिसमें कुछ मिलावट की जा रही हो, तो एट वेरी हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर क्या होगा बैंड टू बैंड ट्रांजिशन होगा जिसमें डोमिनेट करेंगी ओवर इंप्योरिटी आयोनाइजेशन, तो है ना, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, बैंड टू बैंड ट्रांजिशन डोमिनेट्स ओवर इंप्योरिटी आयोनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, यहां पर बोला है भाई फर्मी लेवल वाला क्वेश्चन है, फर्मी लेवल के केस में हमें बैंड बना लेने हैं, ये एक बैंड बना लिया, एक बैंड ये बना लिया, ये कौन सा बैंड हो गया कंडक्शन बैंड, ये कौन सा बैंड हो गया वैलेंस बैंड, कौन से टाइप का है पी टाइप का है, पी टाइप का ज्यादातर किसके पास रहेगा वैलेंस बैंड के पास, तो 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अबव वैलेंस बैंड, अबव वैलेंस बैंड यानी कि कहीं यहां पर एनर्जी है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर एटम्स इंक्रीज, एक्सेप्टर एटम्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ाई जाएगी, एक्सेप्टर जो एटम्स है यानी कि वैलेंस बैंड वाले पी टाइप वाले, उनकी कॉन्सेंट्रेशन यदि बढ़ेगी, बढ़ेगी तो एनर्जी किधर की तरफ अप्रोच करेगी, वो अप्रोच करेगी किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, है ना, एनर्जी भी उसकी बढ़ेगी, तो 0.3 से तो ज्यादा वो नहीं जाएगी, तो कितनी होएगी, वो कितनी हो जाएगी 0.2 तक आंसर आ जाएगा भाई, 0.5 हो नहीं सकती, 0.1 कम होगी नहीं, बढ़ेगी, बढ़ेगी तो 0.3 से ऊपर नहीं जाएगी, तो कितनी जाएगी 0.28 आएगा आंसर। अगर आप चाहो तो इसका फॉर्मूला वैसे भी निकाल सकते हो, फॉर्मूला कौन सा, वो पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जो फर्मी एनर्जी का फॉर्मूला होता है EF is equals to EV plus T log N N I upon NV, उस फॉर्मूला से भी आप इसको कर सकते हो। आगे बढ़ो, क्वेश्चन 8, अ ट्रांजिस्टर हैज टू पीएन जंक्शंस, है ना, द बैटरी शुड बी कनेक्टेड, भाई ट्रांजिस्टर के अंदर दो पीएन जंक्शन है ये हमें पता होता है, एक फॉरवर्ड बायसिंग में होता है और एक कौन सा होता है रिवर्स बायसिंग में, जनरली जो कलेक्ट एमिटर और बेस का है वो फॉरवर्ड बायसिंग में होता है और कलेक्टर बेस जो बनाता है वो कौन सा बनाता है रिवर्स बायसिंग, तो हमारे पास जो सही ऑप्शन आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी। नाइन्थ क्वेश्चन में हमें बोला है एन एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक हैज वोल्टेज गेन, यहाँ वोल्टेज गेन लिखा हुआ है, आई थॉट ये गलत है, ये करंट गेन होना चाहिए, करंट गेन, ठीक है, करंट गेन होना चाहिए। इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम एंड आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ 2.5 किलो ओम, द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द करंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर यूजिंग द, अब देखो करंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर के केस में इनपुट इंपेडेंस जो है वो इससे दिया जाता है जेड इक्वल्स टू जेड आई अपॉन 1+MI और A, जेड का मतलब होता है इनपुट रेजिस्टेंस विदाउट फीडबैक, एम आई का मतलब फीडबैक फैक्टर, ए का मतलब गेन, और जेड आई मतलब विद फीडबैक, तो जेड की वैल्यू जो है वो हमें कितने की बन है 1 है, यहां पर इनपुट रेजिस्टेंस 1, ये 1 हो गया अपॉन 1+ फीडबैक रेजिस्टर कितना है, फीडबैक फैक्टर कितना है 0.2, गेन कितना रखा है 50, तो इसको 50 करो, तो यहां से आंसर आ जाएगा 1/11, ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया जो कि ऑप्शन है कौन सा, ए, कौन सा ऑप्शन हो गया ए। तो यार ये तो जितने भी क्वेश्चन थे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं और आगे भी ऐसे ही चलेंगे पूरे पेपर में, अब इन क्वेश्चंस को नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, ये तभी हो सकते हैं जब आपने इस तरह के क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस की हो, आपने थ्योरी को बार बार पढ़ा हो, तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे। आप लोग क्या कर रहे हो,
आप लोग पीछे लगे हुए हो BHU के क्वेश्चंस के, DU के क्वेश्चंस के और JNU के क्वेश्चंस के। भाई साहब मेरे को एक बात बताओ, BHU, DU और JNU के टाइम पे कैलकुलेटर अलाउ हुआ करते थे तो वहां पर लंबे लंबे क्वेश्चन आते थे, आप लोग उन्हीं में उलझे हुए हो। उनके जो वन लाइनर क्वेश्चन है उनको कर लो, मैं मना नहीं कर रहा, पर आप लोग उनके जो बड़े न्यूमेरिकल है उनमें भी लगे हुए हो पीछे, उनके IIT जैम वाले जो क्वेश्चन है उनके भी पीछे लगे हुए हो। वन लाइनर उठा के कर लो उनमें से, बड़े क्वेश्चन मत करो। बार बार रिपीट कर रहा हूं वो चीज, पता नहीं समझ में नहीं आ रही तुम लोगों को क्यों नहीं आ रही। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर में बोला है इफ अल्फा, ये अल्फा फॉर अ ट्रांजिस्टर इज 0.98, तो बीटा की वैल्यू पूछिए, तो बीटा और अल्फा में क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है, यहाँ वैल्यू डाल दो आंसर आ जाएगा। तो 0.98 और 1 -0.98 49 आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 49। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। डीजेनरेट एन टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल कहां पहुंच जाएगा, कंडक्शन बैंड पर, कंडक्शन बैंड आंसर हो जाएगा। अ पोटेंशियल 7 वोल्ट इज अप्लाइड टू अ सिलिकॉन डायोड, सिलिकॉन डायोड का मतलब जो उसका पोटेंशियल है बैरियर पोटेंशियल वो कितना होगा 0.7। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 1 किलो ओम, सीरीज में लगा हुआ है। करंट निकालना है, करंट क्या होगा डेल्टा वी अपॉन आर, डेल्टा वी कितना हो जाएगा 7 -0.7, आर की वैल्यू 1 किलो ओम, तो ये कितना हो जाएगा 6.3, और किलो ऊपर जाएगा तो मिली एम्पियर, तो 6.3 मिली एम्पियर जो कि ऑप्शन है बी, 6.3 मिली एम्पियर जो कि ऑप्शन है बी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसमें फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी का जो फॉर्मूला है SICO, वो किसके बराबर 1 प्लस बीटा और 1 प्लस आर ई आर बी अपॉन आर ई और अपॉन 1 प्लस बीटा आर बी अपॉन आर ई। इस वॉल फॉर्मूला के अंदर वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको और फिर आंसर निकालना है। ये सारी वैल्यूज जो दी हुई है तो ये वैल्यूज आप सब्सटीट्यूट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग जिसका आंसर आ जाएगा वो ए आ जाएगा, ए है ना। ये निकाल लेना आप, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर कितना आ जाएगा इसका, ये फॉर्मूला लगाना है। तो ये फॉर्मूला आपको याद करने, स्टेबिलिटी के 4 फॉर्मूले, एक फिक्स्ड बायस में, एक एमिटर बायस में, एक वोल्टेज जो है डिवाइडर मेथड और एक कलेक्टर बायस में, इनके जो स्टेबिलिटी के फॉर्मूला है वो आपको याद होने चाहिए। किस में कितनी स्टेबिलिटी है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी की वैल्यू क्या है वो याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है वीडियो को, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। पीएन जंक्शन डायोड लो फॉरवर्ड एंड हाई रिवर्स रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही बात है। नॉन लीनियर VI कैरेक्टरिस्टिक, बिल्कुल सही बात है। जीरो फॉरवर्ड करंट टिल द फॉरवर्ड वोल्टेज रीचेस द कट, बिल्कुल सही है। यानी कि चारों के चारों ऑप्शन सही है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। यहां पर हमें बोला भाई कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डेंसिटी ऑफ होल्स दिया हुआ है आपको, है ना, डेंसिटी ऑफ होल्स, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है आपको, मोबिलिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन और मोबिलिटी ऑफ होल्स दिया हुआ है। तो यहां पर फॉर्मूला लगाओगे आप सी सिग्मा इक्वल्स टू म्यू एन ई म्यू ई और एन एच म्यू एच। तो एन ई का मतलब हो जाएगा डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एन एच का मतलब हो जाएगा डेंसिटी ऑफ होल्स, म्यू ई मतलब मोबिलिटी और म्यू एच मतलब मोबिलिटी ऑफ होल्स। ई की वैल्यू आपको जो रखनी है वो रखनी है जो आती है, सिग्मा की वैल्यू यहां से जो भी आएगी आपको निकालना है रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी बराबर होता है 1/σ, तो आपकी रेजिस्टिविटी निकल जाएगी। मैं आपको आंसर बता देता हूं, आंसर आएगा जो इसका वो आएगा 0.34 ओम, 0.34 ओम, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। और यूज नहीं भी करो, इतना बड़ा क्वेश्चन भी नहीं आए तो आपको कम से कम ये दो बातें ध्यान रखनी है, एक ये वाली और एक ये वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द वोल्टेज अक्रॉस, अब हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है जीना डायोड को हम रिवर्स डायरेक्शन में लगाते हैं वोल्टेज के, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये ए, ये नहीं ए हो जाएगा ए, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। यहां पर क्या है कि द इंट्रेंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिलिकॉन सैंपल माइनॉरिटी, देखो भैया कितना सिंपल सवाल, एन ई एन एच इक्वल्स टू एन आई स्क्वायर, माइनॉरिटी का पूछा है एन ई इक्वल्स टू एन आई स्क्वायर अपॉन एन एच। एन आई की वैल्यू कितनी हो गई 1.5 × 10^16 और ये स्क्वायर में,
उसके बाद मेजोरिटी के हैं जो भी मेजोरिटी में है उसके m इंटू 10^20 और इससे सॉल्व कर दो, इससे सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 4.5 × 10^11 जो कि है ऑप्शन ए। सही है, आगे बढ़ो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला vd = μe, ये मैंने आपको बताया हुआ है, μ = vd/e आपको करना है। vd की वैल्यू, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू 100 दे रखी है, 100, और ये वोल्ट पर मीटर है और ये है 5, ये है 5, नहीं उल्टा लिख दिया मैंने, 5 मीटर पर सेकेंड ना, तो ये आपको दे रखा है 5 और ये दे रखा है 100, तो आंसर हो जाएगा 0.05 आंसर हो गया। यहाँ पे हमें बोला है फिगर डीसी लोड लाइन विल मैट, डीसी लोड लाइन भैया हम कैसे बनाते हैं, हम ऐसे बनाते हैं, ये यहाँ पर आता है IC, ये किसके बराबर होता है VCC/RC, है ना, और यहाँ क्या होता है VCC, तो VCC की वैल्यू तो कितनी है 30 वोल्ट, तो 30 वोल्ट देखो कहाँ पे, यहाँ पे ही है, तो वैसे ही खत्म हो गया, ये गलत ये गलत ये गलत, तो आंसर तो यही लग गया। I की वैल्यू भी निकाल लो, तो ये कितनी 30/ ये रेजिस्टेंस RC कितना 1.5, क्या आंसर आ गया 20 mA। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया हमारा, ए सही हो गया, है ना। बहुत देखो मैं कितने जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ, अब यूँ कहोगे सर आपने तो पेपर बनाया है तो आप तो जल्दी करोगे ही, हम कैसे करें यार, बात तो वो भी सही है परंतु बहुत बेसिक सवाल है, ऐसे कोई टफ पेपर नहीं है जिसको आप कह रहे हो कि टफ है, मुझे नहीं लगा ये टफ पेपर था, और सिंपल कर दूंगा नेक्स्ट टाइम से। अ सर्टेन कॉमन बेस ट्रांजिस्टर हैज करंट गेन 0.98, कॉमन बेस है, कॉमन बेस का मतलब अल्फा 0.98, कलेक्टर लीकेज करंट की जो वैल्यू है यानी कि ICBO वो है 5 μA, ये इसको लिख लो आप 5 × 10^3 mA ऐसा लिख लो, है ना। तो आपको IE की वैल्यू भी दी है, IE की वैल्यू दी है आपको 1 mA, तो आपको बेस करंट निकालनी है, बेस करंट, तो बेस करंट आप कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, IC = IB into क्या फॉर्मूला है, अल्फा upon 1 minus alpha plus ICBO या ICO upon 1 minus alpha। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, बेस करंट की, तो सबसे पहले आप IC की वैल्यू निकालोगे, IC की कैसे निकालोगे, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा IC, कौन सा है कॉमन बेस है ना, तो अपॉन IE, तो यहां से आपके पास जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो वैल्यू निकल के आ जाएगी किसकी, IE की, इस फॉर्मूला से IC की, तो IC की वैल्यू हो जाएगी IE और अल्फा, तो 0.98 × 1, तो 0.98 mA, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी IC की। अब इस फॉर्मूला में आपको वैल्यू जमा देनी है, इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यू रख दोगे आंसर आ जाएगा। IC की वैल्यू कितनी रखोगे 0.98 mA में, ध्यान रखना। IB हमें निकालना है, ये वैल्यू कितनी होगी और 1 - 0.98 प्लस ICO हमें गिवन है 5 mA है, तो उसको मैंने मिली में कर दिया, तो 5 × 10^-3 लिख सकता हूं और ये हो जाएगा 0.02। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 15 μA। द थियोरेटिकल एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 0.406 1 + Rf/Rn। इफ Rf फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 0 को अप्रोच करेगा तो एफिशिएंसी हो जाएगी मैक्सिमम, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 40.6%। 40.6% कौन सा आंसर हो गया, ए हो गया, ठीक है, कौन सा आंसर हो गया, ए। CE अप्रोक्सीमेशन, देखो भाई ये आ गया, क्या आ गया, कलेक्टर करंट और ये आ गया VCE। यहां पर इस तरह से लाइन बनती है, ये और भी नीचे जाएंगे, मैंने थोड़ी सी ऊपर बना दिए, इसको सही मान लेना, है ना, और इस तरह से होता है, ये लाइन होती है, इसको हम कहते हैं DC लोड लाइन। यहां पर इस पॉइंट के ऊपर ये जो जोन होता है ये होता है सैचुरेशन, और इस पॉइंट के नीचे ये जो जोन होता है ये होता है कट ऑफ, और ये वाला जो जोन है ये होता है एक्टिव,
हमें ये पूछा है सी अप्रोक्सीमेशन द अपर एंड ऑफ डीसी लोड लाइन, अपर एंड का मतलब ये वाला इज कॉल्ड सैचुरेशन एंड लोअर एंड, लोअर एंड मतलब ये वाला, इसको हम क्या कहेंगे कट ऑफ, ठीक है, एंड एंड इज कट ऑफ, तो सैचुरेशन और कट ऑफ, ऑप्शन हमारे पास सही कौन से हो जाएंगे, सी सैचुरेशन और कट ऑफ। इस क्वेश्चन के अंदर हम बात करें तो अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर हैज कॉमन मोड गेन, कॉमन मोड गेन की बात हो रही है, तो ACM की वैल्यू हमें दी है 0.2, CMRR की वैल्यू दी है कितनी दी है 3250, ठीक है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं ADM डिफरेंशियल मोड गेन निकाल सकते हैं, तो CMRR जो होता है वो होता है ADM ओवर ACM, तो ADM की वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ जाएगी CMRR और ACM, ठीक है, तो CMRR कितना है 3250 और ये है 0.2, ये है 0.2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 650। अब हमें आउटपुट वोल्टेज पूछा है तो ADM दे रखा है तो V आउटपुट अपॉन V इन बराबर हो गया 650, V इन की वैल्यू कितनी है 7 मिलीवोल्ट RMS, VRMS, तो V आउटपुट बराबर कितना हो जाएगा 650 × 7 कर दोगे आप, 650 × 7 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 4.55 आ जाएगा, वो मिली है तो मिली को आप कन्वर्ट कर दोगे तो 4.55 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, इस क्वेश्चन में बोला है इफ द फीडबैक इनपुट रेजिस्टर रेशो ऑफ, हमें दे रखा है फीडबैक टू इनपुट है ना, आर फीडबैक टू आर आई, ये रेशो गिवन है हमें 4.6, इनपुट वोल्टेज जो हमें गिवन है वो है 1.7 वोल्ट, नॉन इन्वर्टिंग के लिए, किसके लिए नॉन इन्वर्टिंग के लिए, नॉन इन्वर्टिंग के लिए गेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1+RF/RI, गेन जो है वो किसके बराबर है आउटपुट अपॉन इनपुट, तो वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट लगा दो ये फॉर्मूला, तो वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट 1+4.6, तो 1+4.6 कितना हो गया 5.6, तो V आउटपुट इज इक्वल्स टू 5.6 इंटू वी इन, वी इन की वैल्यू कितनी रखी है 1.7, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 9.52, तो करेक्ट ऑप्शन जो आ गया वो कितना आ गया 9.52। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हम बोला है गेन ऑफ क्लोज लूप इन्वर्टिंग, अब बोला है इन्वर्टिंग, तो इसका गेन दे रखा है तो इसका जो गेन है वो होता है -RF/RIN और ये कितना दे रखा है 3.9, माइनस छोड़ दो मॉड ले लो उसका, इनपुट रेजिस्टर की वैल्यू है 1.6, फीडबैक रेजिस्टर की, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या है आर इन इंटू 3.9, आर इन की वैल्यू 1.6 और ये हो गया 3.9, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा कितना 628 इसको सिंप्लीफाई करोगे 1.6 मल्टीप्लाई बाय किलो है ना, ये 1.6 किलो है तो लास्ट का आएगा 4 और 16 + 48 = 48 62, तो ये 624 और 1 2 1 2 6.2 और किलो में है तो 6240 आंसर आएगा, ओम्स, बी आंसर आएगा बी। नेक्स्ट पे आओ, ये आपको बोला है इन द गिवन सर्किट द करंट थ्रू रेजिस्टर इज 2 kΩ, इसमें से हमें करंट बतानी है, जीनर डायोड है ये इससे ज्यादा है तो जीनर वोल्टेज, यहां पर जो वोल्टेज होगा इसके अक्रॉस वो कौन सा होगा 12 ही होगा, ये ज्यादा है ना तो तब जीनर डायोड काम करना चालू कर देगा, अगर ये कम होती तो जीनर डायोड काम ही नहीं करता, क्या निकालना है करंट निकालना है तो करंट कितना हो जाएगा 12 × 2 कितना हो जाएगा 6, आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसके अंदर हमें क्या बोला है, हमें बोला है क्या निकालनी है कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर द बेस करंट इज 40 μe, तो VBE की वैल्यू निकालनी है तो हम ये वाला सर्किट ले लेंगे, ये वाला सर्किट ले लो VCC − 245, मैं एक बार इक्वेशन लिख देता हूं वो फिर ज्यादा समझ में आएगा, −RB × IB − VBE = 0, ये वैल्यू हमें 10 दे रखी है, RB की वैल्यू 245 kΩ है और ये 40 μe है तो ये 40/1000 कर दो और यहां पर VBE = 0, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.2 वोल्ट, जो कि है ऑप्शन 0.2 वोल्ट आंसर आ गया इसका, है ना, ये ऑप्शन हो गया।
इस क्वेश्चन में बोला है द आउटपुट ऑफ एंड गेट, एंड गेट बना लो और तीन के लिए है, और तीनों क्या जो विथ थ्री इनपुट्स ए बी सी इज हाई, हमें हाई आउटपुट चाहिए, कौन सा चाहिए हाई, तो हाई ए बी जो इसका आउटपुट आएगा एक्स वो क्या आएगा ए बी सी, तो यहां पर ए यहां पर बी और यहां पर सी, तो ए की वैल्यू भी वन हो बी की भी वन हो और सी की भी क्या हो वन हो, तीनों की वैल्यू वन वन होगी तभी हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा हाई आएगा। द लॉजिक गेट दैट विल हैव लो आउटपुट, लो आउटपुट व्हेन एनी वन ऑफ इट्स एनी वन ऑफ इट्स इनपुट इज हाई, लो आउटपुट हो जब इसका कोई भी इनपुट, कोई भी एक इनपुट हाई हो तो वो कौन सा होगा, नॉर गेट बनेगा ना भाई, नॉर, नॉर किसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा और प्लस नॉट, कैसे वो देखो भाई आप ये बना लो एक बार ऐसे और फिर ऐसे, तो यहां आपने दिया वन, एनी वन ऑफ इनपुट इज हाई, लो आउटपुट मिले यहां पर जीरो, तो वन प्लस जीरो कितना आया वन, तो यहां पर नॉट, नॉट का कितना आ जाएगा जीरो, सिंपल सा समझ में आ गया कौन सा हो गया नॉर गेट। फिर नेक्स्ट पे आओ, कन्वर्ट हेक्साडेसिमल वैल्यू 16 को डेसिमल में बदलना है, 16 को कन्वर्ट करना है किसमें डेसिमल में, कैसे कन्वर्ट करोगे 6 × 16 power 0 प्लस 1 × 16 power 1, तो ये तो 16 का 16 आ गया, ये हो गया 6 तो ये हो गया 22, तो आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा 22 मजाल, हाँ 31 कर लेता है। तो बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमें चार चार का ग्रुपिंग करनी होती है, तो ये चार की ग्रुपिंग कर लो, ये चार की ग्रुपिंग कर लो, ये चार की, हमारे पास जो टेबल होती है उस टेबल के अकॉर्डिंग इस ग्रुपिंग की वैल्यू होती है 2, इसकी वैल्यू f और इसकी वैल्यू f, और इसके अकॉर्डिंगली देखो ऑप्शन से भी इसको कर सकते हैं कि 2 इनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो यहां तो होगा नहीं और ये भी नहीं होगा, तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा, तो अब उसके लिए आपको ये ग्रुप के जो नंबर है वो याद होने चाहिए, तो यहां पे जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा b आ जाएगा। यहां पर बोला है डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी दैट मेक्स द प्रोडक्ट टर्म ए बार बी सी बार डी इक्वल टू 1, ए बार बी सी बार डी ये इक्वल टू 1 करना है, अब इनका प्रोडक्ट 1 कब आ सकता है जब ए की वैल्यू पहले कितनी हो 0 हो और सी की वैल्यू भी 0 हो, क्योंकि ए बार की वैल्यू 1 तभी बनेगी जब ए की वैल्यू 0 होगी और सी बार की वैल्यू 1 तभी बनेगी जब सी की वैल्यू क्या होगी 0 होगी और बी 1 हो और डी 1 हो, यानी कि ए 0 होना चाहिए, ए 0 होना चाहिए, सी 0 होना चाहिए, बी 1 होना चाहिए और डी 1 होना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन हो गया ए ऑप्शन हो गया। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है व्हेन ए बी आर द इनपुट्स टू नैंड गेट अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स थ्योरम द आउटपुट एक्सप्रेशन, नैंड गेट बनाना है, नैंड गेट मतलब एंड प्लस नॉट, एंड प्लस नॉट, तो एंड बना लो, तो एंड गेट बनाया मैंने, ये एंड गेट बनाया और उसके आगे लगा दिया नॉट, डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा रहे हैं, डी मॉर्गन्स थ्योरम्स के अकॉर्डिंग ये ए बार है और ये बी बार है, यहां हमें जो आउटपुट मिलेगा एंड गेट है तो इस पर मिलेगा ए बार बी बार, इस पर क्या मिलेगा ए बार बी बार, ठीक है, डी मॉर्गन थ्योरम के अकॉर्डिंग ए बार बी बार को हम क्या लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार, तो नॉट गेट पर जो इसका आउटपुट मिलेगा उसका रिवर्स मिलेगा, वो क्या मिलेगा ए प्लस बी, वो क्या मिलेगा ए प्लस बी, जो कि ऑप्शन होगा ए, जो कि ऑप्शन कौन सा होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ 34, यहां पे बोला है अ लॉजिक सर्किट प्रोवाइड्स हाई आउटपुट फॉर बोथ इनपुट हाई और बोथ इनपुट लो, यदि दोनों इनपुट हाई और दोनों इनपुट लो हो तो उस केस में जो क्या प्रोवाइड कराता हो हाई आउटपुट प्रोवाइड कराता हो, तो ऐसा कौन कर सकता है, ऐसा करता है कौन सा एक्स नॉर गेट, कौन सा करता है एक्स नॉर गेट, भाई एक्स नॉर गेट के केस में ए बी वाई, तो यहां पर अगर मैं 0 0 दूं तो यहां मुझे 1 मिलेगा, 1 1 दूं तब भी मेरे को क्या मिलेगा 1 मिलेगा, यानी कि दोनों सेम इनपुट कर दूं या लो इनपुट कर दूं तो भी मेरे को क्या मिलेगा हाई मिलेगा, तो ये काम कहां पर होता है एक्स नॉर गेट में, है ना, किसमें होता है एक्स नॉर गेट में, और यहां 0 1 दूं तो यहां पर क्या मिलेगा 0 और यहां 1 0 कर दूं तो यहां क्या मिलेगा, तो ये काम कहां होता है एक्स नॉर गेट में, एक्स नॉर गेट में, एक्स नॉर गेट की इक्वेशन किसके बराबर होती है ए बी प्लस ए बार बी बार। लास्ट क्वेश्चन, इसमें बोला है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गेट फ्रॉम द इक्वेशन, ये इक्वेशन किसकी है, ये एक्सोर गेट की इक्वेशन, ये किस गेट की इक्वेशन है एक्सोर की, और एक्सोर गेट ऐसा है जिसमें अगर हम सेम इनपुट देंगे तो हमें 0 मिलेगा, हाई इनपुट भी दोगे तो भी आपको कौन सा मिलेगा लो आउटपुट मिलेगा,
जिस तरह से आपसे इस क्वेश्चन में पूछा था कि हाई आउटपुट मिलेगा सेम वैल्यू के लिए भी या सेम इनपुट के लिए भी, तो और इस क्वेश्चन में क्या है कि हाई आउटपुट के लिए भी आपको क्या मिल रहा है, लो इनपुट मिल रहा है, तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन थे जो पेपर में आए थे, जो मॉक टेस्ट पेपर था इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसके अंदर। होपफुली आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, फिर भी कोई आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप में से किसी को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, जो भी वीडियो देख रहे हैं, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर जो व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहे हैं उन व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके ही आप डिटेल जान सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन थैंक यू, बाय बाय। और चैनल को छोड़ने से पहले, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना।